वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज़ ऑन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं हर हफ्ते मंडे को एक वीडियो डालूंगा, जहां पर इंडिया की हर बड़ी इंडस्ट्री की वीकली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताऊंगा। तो कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ट्वेंटी की पहली बड़ी अनाउंसमेंट है रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी एनिमल, जिसे अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह की डायरेक्टर संदीप रेड्डी डायरेक्ट करेंगे। और रणबीर कपूर के साथ इस मूवी में परिणीता चोपड़ा, अनिल कपूर, बॉबी देवल भी दिखाई देंगे। जॉली एलएलबी वन और टू के डायरेक्टर सुभाष कपूर ने उनकी अपकमिंग मूवी मैडम चीफ मिनिस्टर की फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। और इस मूवी में लीड पे ऋचा चड्ढा को दिखा जाएगा और साथ ही साथ सौरभ शुक्ला, मानव कौल जैसे एक्टर भी दिखाई देंगे। और ये मूवी 22 जनवरी को रिलीज होगा। सोनू सूद की नेक्स्ट मूवी भी अनाउंस हो गया है, जिसका नाम है किसान। और इस मूवी में सोनू सूद लीड रोल पे दिखाई देंगे और बाकी कास्टिंग कुछ ही दिन में अनाउंस हो जाएगा। आयुष्मान खुराना की हिट मूवी बधाई हो की सीक्वल की शूटिंग शुरू हो गया है और इस मूवी का नाम होगा बधाई दो। और इस मूवी में लीड पे राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर दिखाई देंगे। धमाल मस्ती जैसे मूवी सीरीज की डायरेक्टर इंद्र कुमार की नेक्स्ट मूवी थैंक गॉड में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राहुल प्रीत सिंह दिखाई देंगे और जनवरी की लास्ट में इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी बच्चन पांडे की फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है और जिसमें अक्षय कुमार गैंगस्टर की किरदार पे बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, कृति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस, प्रतीक बब्बर दिखाई देंगे। रागिनी एमएमएस फोबिया जैसे मूवी की डायरेक्टर पवन कृपलानी की अगली मूवी भूत पुलिस की शूटिंग जैसलमेर में स्टार्ट हो गया है और इस मूवी में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम, जावेद जाफरी दिखाई देंगे। वार बैंग बैंग जैसे मूवी की डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की नेक्स्ट मूवी में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण साथ में काम करेंगे और इस मूवी का नाम है फाइटर और ये मूवी 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगा। विकी कौशल अपनी अगली साइंस फिक्शन मूवी में सुपर हीरो की रोल में दिखाई देंगे, जो कैरेक्टर महाभारत की अश्वत्थामा कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होगा और इसे डायरेक्ट करेंगे उरी मूवी की डायरेक्टर आदित्य धर। विनीत कुमार, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा एक साथ में आधार मूवी में दिखाई देंगे, जिसे नेशनल अवार्ड विनर बंगाली मूवी डायरेक्टर सुमन घोष डायरेक्ट करने वाले है और ये मूवी उनकी फर्स्ट हिंदी मूवी होगी। कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स डेब्यू की भी अनाउंसमेंट कर दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, कब रिलीज होगा, सीरीज होगा या फिर मूवी होगा, कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन नेटफ्लिक्स पर उनका डेब्यू वो खुद कंफर्म की है। अंधाधुन बदलापुर मूवी डायरेक्टर श्रीराम राघवन अपनी न्यू मूवी में विजय सेतुपति के साथ कैटरीना कैफ को कास्ट की है और ये मूवी विजय सेतुपति की बॉलीवुड डेब्यू होगा। और रूमर्स था कि ये मूवी कांदाहार प्लेन हाईजैक के बारे में होगी, लेकिन श्रीराम राघवन ने इसे फेक न्यूज कह के खारिज कर दिया है। सलमान खान ने अपने राधे मूवी की सैटेलाइट राइट्स यानी टीवी पर दिखाने के लिए जी स्टूडियोज के साथ 230 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो अब तक की बॉलीवुड में हाईएस्ट है। बंगाली सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी नेटफ्लिक्स पे विक्रमादित्य मोतवानी के डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं और उनके ऑपोजिट में आदित्य राव हैदरी होंगे और ये सीरीज में 40 से 80 तक बॉलीवुड को डिस्कवर किया जाएगा। एक हैरान कर देने वाली फैक्ट है, कुली नंबर वन के लिए वरुण धवन ने 25 करोड़ फीस ली है। निन्नू कोरी मंजिली जैसे मूवी डायरेक्टर शिवा निर्भना अपने अगली मूवी नानी के साथ अनाउंस की है। इस मूवी का नाम है ट्रैक जगदीश और ये मूवी सिर्फ तेलुगु में ही रिलीज होगा, वो भी 16 अप्रैल 2021 को। तेलुगु मूवी रेड जिसमें राम लीड रोल पे है, ये मूवी 14 जनवरी को तेलुगु और कन्नड़ा में रिलीज होने के बाद जनवरी की लास्ट वीक में हिंदी डब में रिलीज होगा और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, ये मूवी बंगाली, मराठी, तमिल, मलयालम ऐसे टोटल 8 भाषाओं में रिलीज होगा। राणा दग्गुबाती की मूवी हाथी मेरे साथी इसी साल 26 मार्च को थिएटर पे रिलीज होगा और इस मूवी में पुलकित सम्राट भी दिखाई देंगे और ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।